इसके नीचे है क्या भाई? ये पूरा पानी में रहता है, देख रहे हो भाई। यहाँ पे सूट है ना, बहुत सारे निकलवा दिए ब्रज नगरी के अंदर, ये जो आती है पूरी। और ये है तो भाई देखो घर कैसे है। यहाँ पे ना लकड़ियों के वो बना रखे हैं सारी गाटर सिल्ली, लकड़ियों के बहुत साल पुराने हैं ये। तो गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है आज? देखे भाई आपको सीढ़ियाँ दिखाते हैं भाई। बचपन में मैं बहुत छोटा था तब आता था भाई, बहुत खड़ी सीढ़ियाँ यहाँ पे। और आज हम जाने वाले हैं भाई यहाँ की जो मार्केट है वो एक्सप्लोर करने के लिए भाई, कैसे कपड़े वगैरह मिलते हैं, क्या है सारी चीज़। तो ये है भाई देखो, छत वही लकड़ी वाली है ना जो दिखाई, तो ऊपर से ऐसी है भाई, मतलब लगा लो आप। मैं अभी पूछूंगा कितने साल पुरानी है, वो दिखा देंगे आपको। तो एक भाई ये वाला रूम है, ये भी ऐसी बन रहा है। तो भाई बिल्कुल खड़ी हो गया, सीढ़ियों पर गिर गया ना भाई, हालत खराब है बस। एक भाई ये देखो, ये भी पूरी लकड़ी है, कितने साल पुरानी मामा ये लकड़ी वाली, ये लकड़ी लगा रखी नहीं है, सौ साल पुरानी की जिंदगी चली थी इतने, 80-90 साल 80-90 साल पुराना भाई, देख लो कितनी पुरानी है। कैटिम बैठेगा तो भाई अभी यहाँ पे एक शादी वादी हो रही है आई थिंक, तो उसके बाद डीजे वीजे चलेगा। और हम सबसे पहले जा रहे हैं भाई कहाँ पे, आपको विमल कुंड भाई दिखा के लेके आते हैं। तो भाई जो विमल कुंड भाई, इतने मंदिर है वहाँ पे भाई, मतलब पूरे चारों साइड भाई मंदिर ही मंदिर पूरा भरा हुआ है एकदम मस्त। तो पूरा भाई मार्केट है, हम निकल के जा रहे हैं, यहीं पास में ही पड़ता है काम आगे, बस स्टैंड के पास में पड़ता है विमल कुंड, तो वहीं जा रहे हैं भाई। ये है भाई यहाँ की देखो मार्केट, आगे भी है पूरी ढंग से ना, पूरे कपड़े वपड़े, मतलब छोटी कह सकते हैं एक तरह से, पर यहाँ पे बाइकें वाइकें आती हैं, गाड़ियाँ नहीं हैं। और मार्केट भाई पूरी ना बहुत लंबी है, तो यहाँ पे बस बाइकें वाइकें ही आती हैं, अंदर गाड़ी वगैरह नहीं आ सकती क्योंकि गलियाँ थोड़ी छोटी है। तो हम भाई पहुँचने वाले हैं यहाँ पे ना, नया गेट है ना वो बना दिया है, पहले नहीं बना रहा ना, अभी बनाया है गेट तो कुछ टाइम पहले, तो गेट बना दिया भाई बढ़िया एकदम, पत्थर लगा रखे पूरा गेट में ना, यहाँ पे ये लाल पत्थर चलता है भाई पूरा उसमें, हाँ ये लाल पत्थर ही चला है इधर। और हम बस पहुँचने वाले हैं यहाँ पे, जगह जगह आपको भाई ऐसे टाइप के मिलेंगे, बहुत पुराने इस टाइम से बने हुए भाई। ये अपने भोलेनाथ का मंदिर, जय भोले बाबा, वहाँ है ना जंगल में वो भोले बाबा मत वाले, हाँ है? कल जाने से पहले दर्शन करके चल देंगे। तो भाई लोगों पहुंच गए अपन गलियों में, तो यहाँ भाई सारे मंदिर है जितने भी आप देख रहे हो भाई, सब में मंदिर ही मंदिर है, ये जितनी भी गलियाँ दिख रही हैं इधर से ले लो इधर से ये देखो पूरे में, जय भोलेनाथ, सारे मंदिर है, बोल सकते हैं नगरी के अंदर आ गए भाई, मंदिरों की नगरी के अंदर। और ये है वो कुंड विमल कुंड भाई, विमल कुंड बोला है विमल, ये पूरा कुंड भाई अब देख लो, अब तो ऐसा लगा पानी थोड़ा कम हो गया ना। हाँ ये कैसा सफेद सफेद कर दिया उस पे, ये पेड़ पे ये B10 की यार ये तो पहली बार देखा, कौन से वो है, वो चमगादड़, चमगादड़ बैठी है, चमगादड़ तो नहीं है पक्षी बैठे हैं, ये देख लो भाई विमल कुंड, इधर ऐसे मंदिर हैं पे पूजा वूजा कर सके भाई। और इसमें भाई मछलियाँ, ठीक है मतलब मछली है बस और कुछ नहीं है इधर, सब माल है मछली सांप हो गए और कछुआ ऐसे टाइप के ना बहुत सारे जानवर है भाई इसमें। यहाँ पे बेल वेल दे रखी है, अगर किसी को नहाना है भाई तो बेल से पकड़ के, ये चेन है ना चेन पकड़ के नहा सकता है। गडरी लगा है नीचे, गडरी लगा है दूसरे, देखिए ये भी ऐसी लगा है, तो खुलरी लगा है, इतने अच्छी सी है इसे पकड़ के ना आएगा कौन, पानी कम होगा मेरे साथ पहले यहाँ तक पानी फूल रहे हो है ना, वो नहीं चला रखा होगा ना ठंड की वजह से, देख चारों साइड में लगा रखी चेन वेन है ना, हर साइड सीढ़ियों पे लगा रखी भाई। एक मंदिर भाई वहाँ पे है ये ना, और सही में यार पानी देख कितना कम होगा, अब तो नीचे भी आ सके हैं,
इतना रहता था भाई, उधर भी जाएंगे वो मंदिर ना आधा था पानी में डूबा रहता था पहले, जो भी दिखाया ना आधा आधा मतलब मंदिर पानी के अंदर डूबा हुआ रहता था भाई। अभी उधर भी चलेंगे वहाँ भी दिखाएंगे भाई कैसा है। पेड़ देखो भाई कितना मस्त है, मतलब सारा झुकाव पानी की तरफ ही है। राधे 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 राधे। यहाँ पे भाई ये पूरे मंदिर बना रखे हैं और यहाँ पे पुजारियों के रहने की भाई व्यवस्था है वो कर रखी है। गलियाँ देखो भाई है, पेड़ कितना मस्त है भाई। यहाँ पे भाई आगे ताफी जा रही है, ये मुख्य मंदिर भाई, पूरा मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं। आएंगे रोग ना लाला पूरा दिखा सही भाई, अपने यहाँ कामा की संस्कृति भाई पूरी देख लो। ये पूरी ब्रज नगरी में ही आती है भाई कामा। अभी चरण पहाड़ी भी दिखाई भाई पिछले व्लॉग में, चरण पहाड़ी भी देख ली भाई आपने। तो अब वो क्या है ना, मथुरा है, मथुरा वृंदावन। हाँ मथुरा वृंदावन वृंदावन। और ये भी भाई कामा कामा भाई पूरे, अब देख लो कितने मंदिर है पूरे ब्रज नगरी के अंदर। यहाँ ये भी चारों साइड में वो ही दे रखे हैं भाई, मंदिर बन रहे हैं और पानी है जो बीच में कुंडा भरा हुआ है पूरा। आगे फोन अब देखिए क्या बोलेगा। हेलो आ जा आगे की तरफ ही आ जा है, मैं इधर से जा रहा हूँ। तो भाई हम पूरा घूमे भाई यहाँ पे। तो इसका भाई इतिहास ना एक ये है कि भाई ये ब्रज नगरी में आता है, जो कामा आता है राजस्थान कामा, और ये विवल कुंड है यहाँ का। तो ये ब्रज नगरी के अंदर ये जो आती है पूरी, और यहाँ से भाई नंदगांव है वो 10 किलोमीटर दूर है। यहीं पे भोजन थाली है घूमने के लिए जगह, और साथ ही साथ यहाँ पे एक और घूमने की जगह है जिसको बोलते हैं चरण पहाड़ी। चरण पहाड़ी पे भाई श्री कृष्ण अपनी गाय वगैरह चराते थे, क्योंकि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है जो कामा है, वो नंदगांव है, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है पूरा। तो इस वजह से भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अहमियत है भाई, मंदिर बहुत है यहाँ पे, जितने भी आप देख रहे हो बहुत मंदिर है। और किसी भी भाई एरिया में निकल जाओगे मंदिर है यहाँ पे। यहाँ पे केदारनाथ का एक मंदिर है, वैष्णो देवी का मंदिर है, और आदि बद्रीनाथ यहाँ पे मंदिर है। इस तरह के भाई टेंपल देख सकते हो। मैं तो नीचे थोड़ा घूम रहा हूँ भाई आपको दिखाने के लिए। और ये भाई पेड़ देखो अलग ही कर रखे हैं यहाँ पे भाई। ये पेड़ ना वैसे दिखते नहीं, ये जो ऊपर बैठे हैं सारस है आई थिंक, या पक्षी है, जो कौन से पक्षी हैं ये। तो ये पक्षी भाई अभी दिखे हैं मेरे को जब से राम मंदिर के बारे में थोड़ी चर्चाएं हुई हैं। ये वाले भाई पक्षी अभी दिखे हैं यहाँ पे, नहीं तो चमगादड़ रहते थे भाई इस पे, पूरे वाइट वाइट कर रखे देखो इन्होंने, देख रहे हो। तो ये भाई दिखने चालू हुए अभी। तो अपन भाई पूरे उसमें घूम रहे हैं, मंदिर मंदिर है सारे। तो भाई कैसा लग रहा है आपको थोड़ी भाई यहाँ की हिस्ट्री जान के, भाई कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे से कुछ मिस हो रहा हो तो भाई आप बता सकते हो, मेरे को भी इतनी पता नहीं है। ये है मामा का लड़का, इसको पता है भाई यहाँ के बारे में। मंदिर है यहाँ पे, ये देखो भाई अभी बना है ये तो है, देखिए है प्राचीन विश्व विश्वकर्मा ब्रह्मा जी मंदिर। तो भाई लोगो प्राचीन, यहाँ पे सारे प्राचीन मंदिर है। कितने पुराने होंगे ये मुकेश? मैंने कि ये कितना पुराने होंगे ये जो यहाँ मंदिर बना हुआ है? हजारों साल पुराने मंदिर है, बहुत पुराने। कहीं लिखा हुआ ना हुआ है इतिहास यहाँ का? ऑनलाइन तो मिल जाएगा भाई, कहीं है ना ऑनलाइन पे इतिहास भाई देखना पड़ेगा भाई कितने सालों पुराना है ये जो जगह है ना, क्योंकि मैं बचपन से आ रहा हूँ भाई। ये तो देख रहे हैं, लेकिन ये जो मंदिर है भाई बचपन मतलब बहुत ही इसका जो इतिहास है भाई पुराना है। अब जा रहे हैं भाई उधर की तरफ, जो मंदिर आपको दिखाए ना मैंने, आधे आधे मंदिर जो नीचे की तरफ थे, और बारिश की मतलब पानी भरता है यहाँ पे, साथ ही साथ ताज़ा पानी है वो भी चलाया जाता है भाई। बीच में ना ये दे रखे हैं यहाँ पे, चुग्गे वुग्गे डाल देते हैं यहाँ पे, है ना जा सके ना पे। ये भाई यहाँ से ऑर्डर दे दो, ऑर्डर ऑर्डर जगह खाली करो, जल्दी वहाँ से हटो। ये अभी बनाया है ना, यहीं से कूदा है ऐसे नीचे है। अच्छा जिन पे भाई तैरना वैरना वो भाई। और यहाँ भाई आटा वाटा मत डालना, 500 रुपए का जुर्माना, ठीक है। ये भाई स्कीम
अब दिखाते हैं भाई उस मंदिर के नीचे जाके भाई। तो ये मंदिर है भाई नीलकंठ महादेव का मंदिर है भाई, यहाँ पे भी लिखा हुआ है नीलकंठ महादेव मंदिर, देख रहे हो अंदर, ये है मंदिर। और ये सन भाई 1996 2024 चल रही है अभी, तो ये छियानवे का ये वैसे भी उसमें लिखा हुआ है शायद हिंदी भाषा, ये दूसरे वाले उसमें है। यहाँ से है भाई नीचे का रास्ता, चलें यहाँ से भाई तिजोरी जो खजाने का होगा ये है ना, खजाना यहीं से है। हाँ यहाँ से पानी चलता है भाई, इसमें ना साफ पानी बिल्कुल, देख रहे हो आप पूरा गीला पड़ा है। अब इधर से थोड़ा दिखाते हैं भाई आके भाई, ये देखिए ये नीलकंठ महादेव का भाई मंदिर ना, मैंने भाई जब आता था मैं छोटा था उस टाइम पे तो ये यहाँ यहाँ तक रहता था, फिर उसके बाद यहाँ तक हो गया भाई पानी उतना, फिर धीरे धीरे भाई लेवल है जो कम कर दिया पानी का, तो अब जो लेवल है भाई अब काफ़ी नीचे है ना वो चला गया लेवल, और पहले भाई उतना था। अब उधर जाके भी भाई देखते हैं वहाँ पे, ठीक है कैसा दिखता है वहाँ से, है क्या कुछ बाकी देख लो भाई। आजकल के घर है ना जो जितने भी हैं भाई, तुरंत पानी के संपर्क में आके ना वो पपड़ियाँ झड़ने लगती हैं, ईंटें खराब हो जाती हैं। अब ये देखो भाई इतने सालों से पानी के अंदर डूबा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, देख रहे हो कुछ भी नहीं हुआ, बस ऊपर वहाँ से थोड़ा सा हो गया, लेकिन जो पानी के अंदर डूबा हुआ है ना एरिया उसके अंदर तो कुछ भी है जो आपको हुआ ही नहीं है, मतलब मंदिर को इतनी जो अच्छा क्वालिटी का मटेरियल है पहले मिलता था भाई। यहाँ से देखते हैं भाई अंदर इसके नीचे है क्या भाई, ये पूरा पानी में रहता है देख रहे हो, कुछ नहीं है भाई इधर, ये पूरा पानी के अंदर रहता था, तो इसमें भाई क्या क्या चीजें है, ये एक बांस है और इधर कुछ है, ये है भाई पकड़ियो। तो ये है भाई देखो, मतलब पूरा पानी में रहने के बावजूद भाई इसके अंदर कुछ हुआ ही नहीं है, है इतने मतलब अच्छी क्वालिटी का मटेरियल, पुराना माल है भाई जो दिख है ना, पुराना दिखता है तो दिखता है बॉस, ये देखो भाई इधर कुछ है ना, ये देखो एक बार टॉर्च जला के ये भाई देखते हैं इधर क्या है इसके अंदर। ओह कबूतर का हुआ है ऊपर से भाई, कुछ ऐसा है ऊपर भी कुछ ना, नीचे से यहाँ से मतलब यहाँ तो कबूतर है यार रामपाल। अच्छा ये भाई कुछ तो है मुकेश, इधर भी वही घर टाइप का बना रखा है, कुछ तो है भाई ये जो ऐसे बना रखे हैं ये थोड़ा समझ से परे है, तो ये चीज है भाई हम देख लो मतलब कुछ तो है इसका, और जो ये ऐसे बना रखे हो सकता है भाई कुछ तिजोरी टाइप का लग रहा है मेरे को जो बना रखा है। बाकी पानी देख सकते हैं यहाँ से हल्की हल्की मछलियाँ हैं वो हैं यहाँ पे, थोड़ी दिखाऊं पास करके, ये छोटी छोटी मछलियाँ हैं भाग गई। तो भाई लोगों को कैसा लगा आपको भाई ये सारी चीज़ें देख के कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। इधर भी एक मूर्ति दे रखी है, तो भाई ये ही है सारा कुछ यहाँ पे ना, इतिहास भाई बहुत पुराना है, बंदर बंदर भाई घूमते रहते हैं, जय भोलेनाथ। तो देख लो भाई ये है पूरा विवलकुंड, मैंने घुमा दिया आपको चारों साइड से, उधर की तरफ आए थे पहले हम, फिर इधर वाली साइड है जो कवर कर दी, वो पैदल आओगे ना पूरा घूमोगे भाई अच्छे से तो काफ़ी मज़ा है जो आने वाला है भाई, है ना। तो भाई कैसा लगा भाई ये सारा कुछ देख के, पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पे ना भाई सारे लोग हैं वो आते रहते हैं घूमने के लिए, पूरा एकदम बढ़िया पीसफुल जगह है, मतलब शांति है यहाँ पे ना, बिल्कुल शांति वाली जगह है पूरी।
तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं भाई, तो इसी का पास है भाई यहाँ पे चामुंड मैया का मंदिर, ये रहा चामुंडा देवी जी, तो वही मंदिर है भाई ये देख रहे हो यहाँ पे भाई, बिल्कुल शांति है बिल्कुल एकदम। तो ये है भाई ऊपर का एरिया चामुंड मैया मंदिर का, तो ये पास में है विवल कुंड के ना जस्ट सामने है, अभी शाम का टाइम नहीं है तो इसलिए मंदिर भाई खुले नहीं हुए। वाह 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 कितना अच्छा साउंड है, जय हो चावण मैया मंदिर। तो यहाँ से दिखाएं भाई आपको, तो ये हमारे भाई चावण मैया बैठे हुए अंदर, तो ये है अभी दरबार पूरा ना खोल नहीं रखा क्योंकि शाम को ये खुलेगा 4 बजे के बाद है ना, हम आए हैं थोड़ा दोपहर के टाइम पे आए हैं, तो ये पीछे से भाई कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे, पीछे कुछ ग्रीनरी एरिया है वो दे रखा है और पीछे यहाँ पे खेत वेत भी है और यहाँ पे पूरे भाई देवता दे रखे हैं, जय हो। तो भाई ये मूर्तियाँ जो तराशी हुई ना ये इतनी पुरानी है आप शेप देख सकते हो, तो बहुत मतलब बहुत पुराने टाइम की जो मूर्तियां ना वो दे रखी हैं, जो पुराने टाइम के मंदिर जैसे बनाते हैं ना उसी, हाँ नंदी जी देख लो भाई, तो बहुत सारी मूर्तियां हैं जैसे हल्की सी वो हो गई हैं घिस गई हैं बारिश की वजह से खराब हो गई, पुराने मंदिर देखो भाई, तो ये बहुत पुराने टाइम की है मतलब बोल सकते हो जो इनका इतिहास है भाई हजारों साल पुराना है, ठीक है। तो आधे मतलब कहीं कहीं से लेके आएंगे मूर्ति, ये देखो बहुत मतलब पुराना इतिहास है, ठीक है। तो बहुत पुराने टाइम की जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पे भाई आपको जो मंदिर के अंदर है वो देखने के लिए मिलते हैं, तो ऐसे भाई इतिहास ही जो मंदिरों में आने का ना यही फ़ायदा होता है कि आपको जो वाइब है वो एकदम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, फील है बहुत ज़्यादा अच्छा है जो आपका, तो अच्छा हो चामुंडा मैया। ये अपने यहाँ पे भोलेनाथ की वो दे रखे हैं, जय हो भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय हो गणपति बप्पा मोरिया, जय हो। तो ये है भाई पूरा जो मंदिर एरिया है, यहाँ पे पंडित जी महाराज है वो रहते हैं जो सेवक हैं, और मंदिर है पूरा ये है। कल भाई आपको ना एक ऐसे मंदिर पे लेके जाऊंगा भाई, जो मंदिर भाई इतना ज़्यादा पुराना है, इतना ज़्यादा पुराना है, कितना पुराना होगा मंदिर मुकेश वो वाला है ना, अब तो मंदिर वो मतलब पूरा रेनोवेट करके एकदम मस्त बना दिया, लेकिन भाई सच्ची में इतना पुराना मंदिर है वो, बहुत ही पुराने वाला है मंदिर, तो वो भी कल भाई दिखाएंगे आपको। ये है भाई यहाँ पे अभी हम घूम लिए, अब चलते हैं मार्केट जो जाएंगे भाई। सबसे पहले भाई एक चीज दिखाते हैं, मैंने भाई फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसी चीज, तो ये है भाई यहाँ पे मधुमक्खियों का ना वो कर रखा है फार्म है ये, तो यहाँ से भाई शहद वहद बनता है, इनमें दूर ही रहने वैसे वो है, तो यहाँ पे मधुमक्खी आती है, इनके अंदर दिख रही होंगी आपको थोड़ी थोड़ी मधुमक्खी, हाँ यहीं से मतलब घुस जाती हैं ये मधुमक्खियाँ हैं, किधर से घुसती हैं वो, हाँ वो तो घूम रही है, एक दिखाते हैं दूसरी तरफ से, एक रास्ता दे रखो है इनको जाने को ना, तो यहाँ पे पूरे में भाई खेती हो रही है मतलब इनकी ना, अच्छा ये छोटा सा रास्ता ना ये होगा जाने को इनका, है ना, ये अभी जाएगी शायद ये, कितनी मरी पड़ी है यार यहाँ पे, तो है ये देखो कितनी मरी हुई है भाई, ये ठंड की वजह से मर गई मेरे हिसाब से, तो है ना ठंड बहुत ज्यादा हो रखी है ना, पूरे में भाई बिछी हुई है भाई मेरे हिसाब से भाई ठंड में ये, हाँ मर गया, देख लो भाई कितनी लगा रखी है मतलब कितने किलो जो है ना यहाँ से पूरा, तो फिर मरी कितनी पड़ी है, हाँ कितना शहद भाई बन के जाता है यहाँ से है, और दूसरा भाई हाँ बहुत मरी हुई है भाई, ये इनमें से निकाल लेती हैं चूस के, हैं इन्हीं में से चूस के निकाल लेती हैं और शहद फिर यहाँ भर जाती हैं, और भाई नकली भी बहुत बिकते हैं, फिर यहाँ से आगे जाते हैं थोड़ा मिलावट विलावट करके बेच देते हैं। ये है भाई देखो दुकान है, यहाँ से भाई ले रहे हैं,
लेस। क्या फर्क लगा मम्मी हमारे यहाँ की दुकान पर? यहाँ यहाँ तो भाई ऐसे दे रहे हैं पूरा, एक ले रहे हैं अलग रख रखे हैं पूरा। भाई यूवी ओ यूवी, तो ये है भाई, ये देखो मार्केट, मार्केट घूम रहे भाई। ओ ओ ओ ये है भाई मार्केट। मम्मी आई है सूट लेने, आए फरीदाबाद से कामा में, है मम्मी कैसा सूट लेगी? राजस्थानी है? चलो तो भाई मम्मी राजस्थानी सूट लेने आई है फरीदाबाद से। चलो भाई अभी जा रहे हैं हम सूट वूट लेने अंदर। ये सारे भाई देखे उंगली उंगली दिखाते रहते बस, अभी देखते भाई कैसे कैसे सूट लेते हैं ये। हाँ भाई जूबी ओ जूबी। ये भाई सारे ऐसे बैठ गए जैसे पत्थर आ रही हो इनके आगे। भाई यहाँ पे कुछ भंडारा चल रहा हो, तो ये भाई अभी सूट साड़ियाँ वाड़ियाँ देखेंगे, ठीक है? तो देखते हैं भाई कैसे कैसे इन्हें पसंद आते हैं, तो मैं अभी यहीं से देखते हैं भाई इनको कैसे पसंद आते हैं नहीं आते, क्या है क्या सीन है, तो देख लेते हैं भाई। बाकी ये पूरी स्ट्रीट है भाई, यहाँ पे मार्केट देख रहे हो पूरी, तो ये पूरी मार्केट ही है। ये भाई देखो ये साड़ी है यार, थोड़ा सा अलग ही स्टाइल में निकालते हैं साड़ियों को। भाई आ गए वहाँ से, नहीं ली भाई साड़ी वाड़ियाँ, पसंद पसंद नहीं आई। अब देखते हैं कुछ खातियाँ पिएती हैं भाई। भाई यहाँ हम ले रहे हैं भाई टिक्की, तो यहाँ पे ना टिक्की थोड़ा अलग स्टाइल में बनते हैं, देखिए ऐसे डाल के फिर छोले डालते हैं उसमें अलग से। अब ये भाई ऐसे स्टाइल में हमारे यहाँ कहीं कहीं मिलते हैं। हाँ अभी आ गए हम सूट लेने के लिए दुकान के अंदर भाई, ये सारे बैठ गए। अब देखते हैं भाई कैसे कैसे सूट मिलते हैं यहाँ पे, सूट देखने भाई। मम्मी ये पूरी ना सूट की दुकान है, ये लो भाई सूट पे सूट पे सूट, ये देखो ये वाला अच्छा लग रहा है भाई। अंजू के पास भी ऐसा सेम सूट, ये वाला देखो भाई, ये भी अच्छा लग रहा है, ग्रीन और वाइट इसका हुआ है दुपट्टा आई थिंक। ये डिजाइनर सूट भाई, यहाँ पे सूट है ना बहुत सारे निकलवा दिए, तो अभी ये एक दो फाइनल करे हैं, अभी देखते हैं उनमें से कौन सा लेते हैं। बाकी यहाँ पे भी है वो ले लिया हमने, उसमें से भी देख लिए बहुत सारे, मतलब देखे हैं सूट एक दो। तो भाई अभी आ गए बहुत सारे सूट, अब इनमें से देखते हैं भाई कौन सा हमें पसंद आते हैं। ये देखो फाइन एकदम मज़ा, ये बढ़िया लगा मेरे को भाई फर्स्ट वाला। तो वही वहाँ से सारा घूम घाम के आ गए, शॉपिंग वॉपिंग सारी हमने कर ली। अब जा रहा हूँ मैं मुकेश की दुकान की वहाँ पे, तो थोड़ा सा घूम घाम के फिर निकल जाएंगे अपन घर। यही था गाइस कुछ आज का व्लॉग, गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके टाटा बाय बाय, गुड नाइट।